तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अपन लोग आ चुके बबलू भैया के पंडाल में, और जो अपनी शक्ति नगर वाली माता रानी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। और भाई, जो अपनी 11 महाकाली बनी थी यहाँ पे, अभी 7 महाकाली बची है। तो चलिए चलते और आप लोगों को अपडेट देते हैं। गाइज देख लीजिए, पहले यहाँ पे दमो वाली माता रानी बैठी थी, उनका आज आगमन हो चुका है। और अभी यहाँ पे एक महाकाली रखी है, एक महाकाली यहाँ पे रखी है, ये भी एक महाकाली है, और आगे दो महाकाली हैं, और ये अपनी शक्ति नगर वाली महाकाली है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको इनके कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देता हूँ। भाई देखिए, क्या ही लग रही है भाई अपनी शक्ति नगर की माता रानी। और माता रानी भाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कल तो भाई माता रानी का आगमन ही है सुबह सुबह। और यहाँ पे भाई भोलेनाथ वगैरह भी भाई बहुत प्यारा चेहरा बनाते हैं बबलू भैया। और बबलू भैया का काम जो है ना भाई, बहुत मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं माता रानी को देख के। मूर्ति होगी भाई अपनी कुछ 17-18 फिट की। और यहाँ पे जो महाकाली है भाई, ये भी अपनी छोई खदान जा रही है। और ये वाली जो महाकाली, ये अपनी जा रही है गढ़ा बाजार। और उससे भी और भी काली माता है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे। अभी तो ये वाली पेंट नहीं हुई है, तो मेरे ख्याल से पंचमी तक जाएंगी। और यहाँ पे भी ये वाली तो पूरी कंप्लीट हो गई। तो गाइस, ये वाली माता रानी अपनी मंडला जा रही है यहाँ पे जो है। और बाकी तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे भाई, कितनी सारी माता रानी, कितनी सारी काली माता और महाकाली है। पहले तो और थी। तो गाइस, अभी पता चला है कल अपनी शक्ति नगर की माता रानी का सुबह 8 बजे आगमन है। तो गाइस, आप लोगों को सभी को पता है कि भाई शक्ति नगर की माता रानी के आगमन में कितना मजा आता है और भाई क्या भव्य आगमन होता है। तो भाई मेरे को तो कल का बहुत इंतजार है। तो गाइस, कल मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था, तो ठीक है आज के ब्लॉग में एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय जय श्री राम।